ये दीक्षित दंपति आज बापूजी के ऋणी हैं। हो भी कैसे ना, जो जीवन देश के महान चिकित्सक न बचा सके, वो इनके गुरुजी बापू आसाराम जी की तस्वीर ने ही बचा लिया। 2003 में हम लोगों ने संत श्री आसाराम बापू जी से दीक्षा ली थी और दिसंबर 2003 में मेरे धर्मपत्नी स्नेहलता दीक्षित, जिसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो हम लोगों ने ऑपरेशन करके निकला दिया और 2005 जुलाई में उन्हें फिर से तकलीफ शुरू हो गई, जिसके लिए हम लोगों ने पूना में हड़पसर में मोहिंदारा हॉस्पिटल है जहाँ पे एडमिट करवाया, तो डॉक्टर ने पेट में चीरा लगाने के बाद में यह समझ में आया कि इनका जो कैंसर था जो 2003 में हुआ तो वापस पूरे पेट में फैल गया है, जिसका कि अब कोई इलाज नहीं है, ऐसा डॉक्टर जी ने बताया और पेट वापस सिल दिया। उस समय पे डॉक्टर जी ने कहा कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने की मेहमान हैं, तो आप इनके माता जी पिताजी को बुला लीजिए और घर पर रख के इनकी सेवा कीजिए। ऑपरेशन होने के बाद में फिर से इनको वार्ड पर ले आए। वार्ड में लाने के बाद में अभी टेंशन की वजह से नींद तो नहीं आ रही थी, तो मैं बैठा हुआ था तो सुबह 5 बजे के करीब में मैं देखता हूँ कि एक प्रकाशपुंज खिड़की से अंदर आता है और जहाँ पे मैंने इनके सर के पास में बापूजी की एक फ़ोटो रखी हुई थी, जो जिससे कि बापूजी का आशीर्वाद हमेशा इन्हें मिलता रहे, तो वो प्रकाशपुंज बापूजी की फ़ोटो की तरफ जाता है और 2-3 चक्कर लगा के जहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ था, तो वो ऑपरेशन की जगह पे 2-3 बार चक्कर लगा के और खिड़की से तुरंत निकल जाता है। जब 8 बजे ये सो के उठी तब इन्होंने बताया कि बापूजी आए थे और बापूजी ने मुझसे कहा कि तेरे पेट में गंदे फूल हो गए, मैं निकाल के फेंक देता हूँ, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बापूजी की असीम कृपा है कि वो दिन और आज का दिन बिना कोई दवा लेते हुए बिल्कुल 100% सही है। ये बापूजी की असीम कृपा है हमारे परिवार पर।